गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और ये कॉलर सही नहीं है क्या यार? नहीं नहीं सही है सही है। चलो जैसा भी है, इन्फॉर्मेशन से लेना देना है, कॉलर से क्या लेना देना है। तो आज का वीडियो SSC GD मेडिकल के ऊपर बनाना था, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेडिकल से, जो बोलते हैं हकलाने वाली प्रॉब्लम को भी मैं इसमें कवर करूँगा, और लोको पायलट का भी कुछ पोर्शन मैं इसमें कवर करूँगा, बताऊँगा। लेकिन मेनली फोकस SSC GD के मेडिकल का है, तो पहले वो सुन लेते हैं। और सबसे पहले थंबनेल में मैंने लिखा है कि 2018 में ही आएगा SSC GD, अब तो हो गया जो होना था। नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला पता नहीं, कोई रीज़न नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है ये। अच्छा, मुझे ये लगा कि ये कैमरे का कुछ है। चलो कोई नहीं, तो 2018 में आएगा SSC GD। और अब बात कर लेते हैं SSC GD में जो मेडिकल होता है। देखो कुछ जो प्रतिशत लोग हैं ना, वो मेडिकल के प्रोसेस को थॉट करके ही भरना ही छोड़ देते हैं, मतलब इसके पीछे भागते ही नहीं है, इसके लिए कोशिश नहीं करते। क्यों? वो सोचते हैं कि हमारे कान में अगर कुछ है, मतलब वो एक मतलब कुछ जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से निकाल देते हैं। या उनको गलत इन्फॉर्मेशन होती है कि उनके हाथ में पैरों में अगर कहीं टैटू है तो वो नहीं भर सकते। इवन मेडिकली फिट है वो, फिर भी उनको डर लगता है कि वो अनफिट हैं और उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा है वैसा है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और इन सब के चक्कर में वो कई सारी पोस्टों को भरते नहीं हैं, तो ये गलत है। मैं आपको बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही और साफ़ सुथरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखो लास्ट जो SSC GD का था, उसमें मैंने फिज़िकल रिटन के बारे में बता दिया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ मेडिकल पोर्शन को पूरा करूँगा। सबसे पहले जो SSC GD का मेडिकल होता है, वो होता है आई को लेकर। आई में देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, जो मैं टेक्निकल जो कुछ वर्ड बोलूँगा, जैसे बैटर आई का नंबर N6 होना चाहिए, नियर विज़न में रोज आई का जो नंबर होना चाहिए वो N9 होना चाहिए नियर विज़न में। और डिसेंट विज़न में क्या होता है कि बैटर आई का 6/6 होना चाहिए और रोज आई का 6/9 होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। सिंपल सा फंडा आप समझिए कि जो आई साइट होनी चाहिए वो नॉर्मल आपकी 6/6 छः की छः होनी चाहिए दोनों में। परंतु आप किसी भी चश्मे वाले के पास जाएं, अगर आपको एबिलिटी नहीं है अपने आप पे कि मैं कैसे चेक करूं, चश्मे वाले के पास जाएं और उससे बोलें कि मेरा नियर विज़न और डिसेंट विज़न ये दोनों चेक करके बता दीजिए कितना कितना नंबर है। देखिए बैटर आई और रोज़ आई, बैटर आई एक सिंगल आई को चेक किया जाता है, रोज़ आई में डबल दोनों को चेक किया जाता है। जब नियर विज़न को चेक करेंगे तो वो एक आँख को दबा के चेक करेंगे, तो उससे बैटर आई पता चल जाएगी, और जब वो दोनों आँखों से खोल के आप पढ़ोगे तो वो रोज़ आई का पता चल जाएगा नंबर। तो इस तरीके से डिसेंट विज़न और नियर विज़न दोनों को पता दोनों का आपको पता चल जाएगा कि आपके विज़न में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम है नियर विज़न में, या और मतलब आपके विज़न में कुछ ना कुछ फ़र्क है, तो आपको कुछ हेल्दी फूड लेने पड़ेंगे, जैसे पपीता हो गया, विटामिन ए के कुछ सोर्स हो गए, ग्रीन जो हमारे सब्जी होती है उनको लेना है। और ऐसा नहीं है कि विज़न आपका ठीक नहीं होगा, अगर आप 18 साल से पास में हैं, 18, 19, 20, तो ये जो उम्र होती है इसमें आप कवर कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी आँखों की रोशनी चली गई है, अब नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ हो सकता है, गारंटेड। कई सारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है आई को लेके, आपने देखा होगा, अपने थंब को देखना है, दूर से पास करना है, एक मोमबत्ती को देखना है, ये सारी चीज़ें बहुत स्पेशल टेक्निक होती है जिनसे आप अपनी आई की पावर को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले ये चेक करवाइए, अपने नियर के किसी चश्मे वाले के पास जाइए, और उसको ये मत बोलिए कि मेरी आंखों को चेक करना है, नहीं तो वो आपको झूठ बोल के आपके चश्मा लगाएगा, कहेगा कि आपकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। आपको सिर्फ उसको जाते ही बोलना है कि मुझे आई साइट चेक करवानी है, क्योंकि मेरा मेडिकल है, आर्मी में रिटर्न हो गया, मतलब उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना ताकि वो चश्मा ना बेके आपको आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है? दूसरा जो आई में होता है प्रॉब्लम, वो होता है कलर विज़न का टेस्ट। देखिए कलर विज़न भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अगर बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो कलर विज़न होते हुए भी पास कर चुके हैं। कैसे? उन्होंने एक बुक आती है कलर विज़न की टेस्ट को पास करने के लिए, उन्होंने पहले से ही प्रैक्टिस करी उस बुक को पढ़ने की। उस बुक में उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ डॉट 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 करके एक सर्कल होता है, जैसे उसमें ग्रीन कलर के डॉट 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 लगे हुए हैं, लेकिन उस ग्रीन में एक येलो कलर का डॉट डॉट करके सिक्स बना हुआ है, तो उस सिक्स को जिसने नहीं पढ़ा वो कलर विज़न ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसका। तो ये आंखों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल। तो अब मेडिकल में जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है नॉक नी, जो आपके घुटने होते हैं पैरों के, वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे लड़कियों को आपने देखा होगा कईयों के ऐसे होते हैं फीमेल्स के, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इस तरीके के पैर लेके जाओगे भर्ती में तो आपको फेल कर देंगे। तो
तो इसको ठीक करने के लिए जब आप सोओगे तो अपने पैरों के बीच में एक पिलो लगा के आपको राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड ऐसे सोना है करके, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है, कोशिश कीजिए। थर्ड में होता है वर्कोसिवाइन, मतलब ये एक स्पेशली वर्ड है, लेकिन आपने देखा होगा किसी किसी के हाथों में बहुत सारी नसें उभर के आ जाती हैं, पैरों में पीछे की तरफ बहुत सारी नसें उभर के आ जाती हैं, बाहर की तरफ नसें दिखने लगती हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये इस प्रॉब्लम का कोई भी समाधान नहीं है। इसका सिर्फ एक ही बचाव है कि अपने अपने आप को आप मेज़रमेंट करते जाइए, देखते रहिए कि कब आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या आपके साथ उभर रही है नसें। तो ये ज़्यादा फिजिकली वर्क या फिर एक प्रकार का कमी होती है, दोष होता है आपकी नसों में, कमजोरी होती है, वो उभर के आती है, तो ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद स्क्विंट आई, स्क्विंट आई मतलब आपकी दोनों आँखें इस तरीके की देख रही है, मतलब ऐसे देख रही है, तो ये भी ठीक हो सकती है। आपको वही प्रैक्टिस करनी है, थंब वाला एक्सरसाइज करना है, मोमबत्ती देखनी है, और अपने आप में एबिलिटी लानी है, कॉन्फिडेंस लाना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ना कि मेरे को यही प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ, तो उसी में रहोगे, फंसे रहोगे, उससे कभी निकलोगे नहीं बाहर। देन उसके ये सारी चीज़ें होने के बाद एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है वो कब होता है, जब आप डोमिसाइल देते हो। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, SSCGD में जाने के लिए डोमिसाइल होना ज़रूरी है, डोमिसाइल नहीं है तो आप ये टेस्ट नहीं पास कर पाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा। एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट जब भी होता है जब आप डोमिसाइल प्रस्तुत करते हो, तो डोमिसाइल अपना ज़रूर बनवा लीजिए, सिंपल सा बस, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे में आपका चेस्ट का एक्सरे होता है जिसमें आपके लंग्स देखे जाते हैं कि अच्छे से वर्क करते हैं कि नहीं। देन लेबोरेटरी में आपके ब्लड और शुगर का टेस्ट होता है, जो कि आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट किया जाता है और शुगर का टेस्ट किया जाता है। ये तीन चार चीज़ों की, सॉरी, तीन चार चीज़ों की टेस्ट होते हैं, तो इतना हैवी नहीं है। आप बहुत सारे लोग सोच लेते हैं भैया ये टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा, तो इसलिए आप लोग ये चीज़ों से डरते हो। एक दिन कोशिश तो करके देखो, आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये है कि टैटू वाला सिस्टम। देखो टैटू गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने, जो मेडिकल मतलब डिफेंस में जाने वाले लोगों के लिए बिल्कुल बैन किया हुआ है, लेकिन 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 टैटू का जो प्रचलन है वो हमारी संस्कृति में बहुत पहले से है, तो बिल्कुल से नहीं हटाया गया है। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें फटाफट बता देता हूँ, 7 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगर आपने टैटू यहाँ पीछे अपने शोल्डर पे या बॉडी में इधर कहीं बनवा रखा है, तो बिल्कुल ही आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये आपने जानबूझ के बनवाया है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ होती है, फैशनेबल होती है, ये आपने जानबूझ के बनवाया है। लेकिन वहीं अगर आपका टैटू यहाँ इस तरफ है या इस तरफ है, ठीक है, इन सारी जगहों पर है, तो आपके टैटू को एबिलिटी मिल जाती है, और वो भी सभी टैटू को नहीं। आपने किसी संस्कृति या धर्म का नाम लिखा, या अपना नाम लिखा, या किसी अपने गॉड का है नाम लिखा हुआ है, या किसी समुदाय का, जैसे चिन्ह होता है, क्रिश्चियन लोगों का अलग होता है, हिंदू का ओम होता है, बहुत सारे लोगों के जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होता है, या फिर अपने माता पिता का नाम, कोई भी नाम होता है, वो टैटू चलते हैं। ना कि अग्रेसिव, कोई अग्रेसिव टैटू नहीं, आपने शेर छपवा लिया या यहाँ पे कुछ स्टाइलिश नाम लिखवा लिया, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो दिखाता है, दर्शाता है कि आपने उसको जानबूझ के किया है, ये संस्कृति में नहीं है। तो इस तरीके के टैटू अगर आपके पास हैं तो एबल हो। देन अगर शोल्डर पे भी आपने कुछ एग्रेसिव या फिर कोई बनवाया है, और अगर वो ज़्यादा बड़ा है, तो आप बिल्कुल एबल नहीं हो। छोटा टैटू चलता है, छोटा, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा छोटा है तो एबल ही रहोगे। जो जगह मैंने बताई, एक तो यहाँ इस तरफ और यहाँ पे आपका इस तरफ, यहाँ रहेगा तो एबल हो, बाकी कहीं भी अगर आप टैटू बनवाते हो जानबूझ के, तो आप फेल कर दिया जाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मेरे को आज आपको बतानी थी मेडिकल टेस्ट में। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट रहते हैं आप लोगों के मन में, तो पूछिएगा दिल खोल के, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उनका सोल्यूशन हो सकता है। और लोको पायलट के बारे में आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोको पायलट में क्या है, देखो नॉक नी, फ्लैट फुट और स्क्विंट आई। देखो स्क्विंट आई अगर होगा तो लोको पायलट में आप नहीं जा पाओगे, आपको स्क्विंट आई अपनी ठीक करनी पड़ेगी, जो आई ऐसे आप देखते हो ना। लेकिन अगर नॉक नी है, फ्लैट फुट है, तो आप जा सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन उतनी भी हैवीली नॉक नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, हल्की फुल्की हो, आपको जो आपका वर्क है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दौड़ा के नहीं देखेंगे आपका। मेडिकल में क्या होता है, सिर्फ आई टेस्ट होता है, ना कि फ्लैट फुट और नॉक नहीं होता है। वो चीज़ें आप थोड़े से एबल रहिए, सिचुएटेड रहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो पता नहीं चलना चाहिए कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आई को छोड़ के, क्योंकि आई का तो मेन काम होता है ट्रेन चलाने में। तो कई लोग बोलते हैं फ्लैट फुट है, 6 उंगली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई,
वो जो उंगली है वो आपके किसी वर्क में बाधा ना बने, अगर बाधा है तो आप फेल हो। ठीक है दोस्तों, तो मेडिकल ALP का जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन होता है मेडिकल का। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि लोको पायलट में A1 मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और SSCGD आर्मी से भी रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो में मैं पक्का बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेडिकल पे ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, उसके बाद लाइक कर देना, लाइक दबा के कर देना, क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, और बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।